नमस्कार पलक और छोटू को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और कैसा आप लोग। उम्मीद कर लूँ कि सब लोग ठीक है नाला। मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिसेस पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं मैं हूँ पूनम पंकज नेगी, उत्तराखंड की जिला नैनीताल कोटाबाग से। और आजकल मैं आई अपने मायके, मायका है मेरा हल्द्वानी। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से और फिलहाल मैं किचन में आई हूँ हरी सब्जी काटने के लिए। ये रही हरी सब्जी, मम्मी धो करके लेके आई है तो मुझे इसे काटना है। और मम्मी बाथरूम में कपड़े धो रही है, पापा आज कहीं गए हुए हैं तो आज खाना मैं और मम्मी खाएंगे बस। तो पापा जहाँ गए हैं वहीं खा करके आएंगे और शुभी अपना खेलने में लगी हुई है। तो शुभी के लिए ना मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो आज वो आ गया है। चलो फिर मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे इसी गिफ्ट का वेट था शुभी के लिए जो मैंने मंगा रखा है। चलो फिर देखते हैं। शुभी का पार्सल में लेके आ गई हूँ। ये रहा शुभी का पार्सल, इसमें शुभी का गिफ्ट जो कि शुभी के पापा ने भिजवा रखा है ना। शुभी पापा ने भिजवाया है ये देखो। और आप पहले शुभी से मिल लो फिर खोलोगी गिफ्ट में। अरे मेरा बच्चा, और मेरा बच्चा, सबको जय बोलोगे ना, सबको जय बोलोगे ना। या ये रहा शुभी बच्चा। शुभ सामने देखो, सामने देखो, वो देखो सामने। हाँ सबको ऐसे जय बोल दो, सबको जय जय शुभ जय। मतलब बच्चा सबको जय बोलते हैं, जय जय जय। चमक 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 चमक। चलो फिर अब आपके गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है? ठीक है शुभ। चलो तब तक लेटी लेटी करो, मैं आपका गिफ्ट ओपन करती हूँ। हाँ तो चलो फिर ओपन करते हैं। ये देखो शुभी का प्ले जिम, ये देखिए ये है शुभी का प्ले जिम। अब दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है। इतने टेप लगा रखे है ना। मैं इस गिफ्ट के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कब पहुँचेगा, कब पहुँचेगा और शुभ इसमें कब इंजॉय करेगी। वाओ अब ना ये अब मुझे इन सबको जोड़ना है। दिखाती हूँ आपको इसमें क्या क्या मिला हुआ है। देखो ये मिला है, ये मैट मिली हुई है और ये ढेर सारे खिलौने मिले हुए हैं। ये देखो ये है, एक मिरर भी है। देखो ये रहा और सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा। ये सब अभी जोड़ती हूँ मैं, सब अभी मुझे ऐसे पार्ट्स में मिले हुए हैं, इन सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद दिखाती हूँ आपको कि कैसा है। तो जल्दी से मैं इसे जोड़ लेती हूँ। तो देखो इसे मैंने ना पूरा जोड़ दिया है। ये देखो कुछ इस तरीके का है। शुभ इसमें लेटेगी और ये सारे खिलौने लटके हुए हैं और ये मिरर है और ये इसका पियानो है। देखो पीछे से दिख रहा है, अभी इसको ऑन करती हूँ और ये बजेगा। क्या हुआ बच्चा? हेलो लड़को। क्या हुआ?
तो मैंने इसे ना पीछे से खोल दिया, ऐसे पेचकस से खुलाई है और इसमें सेल लगेंगे, लेकिन इसके अंदर सेल नहीं है, खाली है। तो पहले सेल लाना पड़ेगा, फिर जा कर के बजेगा ये। तो देखो दो सेल लेके आ गई हूँ मैं, अब लगाते हैं सेल इसमें। ये नहीं, ये तो मैंने लगाया है, ये देखो। बस वाह, दिख रहा है आपको कितना प्यारा लग रहा है, ये लाइट भी जल रही है। और क्या क्या है इसमें? कैसा लगा शुभी? कैसा लगा है शुभु? शुभी कैसा लगा? तो शुभी ना अपने ये प्ले जिम के साथ बहुत एंजॉय कर रही है। ये देखो ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये इन पे मन है सुबह का भी, इन्हीं को छेड़ने में लगी है। पाँव से थोड़ा थोड़ा कभी पाँव टकरा जा रहे हैं ना वहाँ पे, तो वो भी बज रहा है। ये देखो मतलब बच्चों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये। ये देखो यहाँ पर भी टॉयज लगे हैं, वहाँ पर टॉयज लगे हैं, बीच में मिरर लगा हुआ है। देखो यहाँ पर शुभी, शुभी, शुभु, शुभी, शुभी, कैसा लग रहा है बाबू आपको? बिजी हो खेलने में, मस्त है, उसको ऐसे ही चाहिए था, उसको मिल गया। तो बच्चों के लिए ना ये मतलब प्ले जिम मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये। अपना खेलने में लगी हुई है, कितने बार ऐसा होता है ना हम लोग कुछ काम करते हैं तो सामने बैठ के अपने आप खेलते रहती है ये। मतलब मोबाइल देने से अच्छा, कितने लोग होते हैं ना कि बच्चे रोते हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो मोबाइल पकड़ाने से अच्छा ये चीज़ अच्छी है। और एक मैंने जो ये म्यूज़िकली वाला मंगाया था ना शुभी के लिए, दिखाती हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके साथ भी शुभी खेलते रहती है, काफ़ी प्यारा है ये भी। हेलो शुभी, शुभी, ये देखो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी ये। बस ये ऑन ऑफ वाला, इसको चार्ज करना पड़ता है, और जो शुभी के लिए ये वाला मंगाया इसमें सेल लगता है, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। शुभी, शुभु, शुभी पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो या बाबू? शुभी पढ़ाई कर रहे हो? तो अभी बज गया है रात के 10 और शुभी सो चुकी है। खेलते खेलते उसका जो है नया प्ले जी मार्क है उसमें खेलते खेलते वो सो गई, तो इसलिए मैंने शूट करने के लिए बैठे कमरे में आई हूँ। और आप लोग के कुछ क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनके रिप्लाई कर देती हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है बिना शाह जी का, आपके भाई बहन कहाँ रहते हैं पूनम जी? तो बिना शाह जी मेरा एक भाई है, मेरा बड़ा भाई है, तो वो दिल्ली में जॉब करता है तो वहीं रहता है, कभी कभी छुट्टियों में आता है घर पर। अगला कमेंट है हिना जोशी जी का, शुभी की बड़ी नानी कहाँ है आजकल? तो हिना जी, शुभी की बड़ी नानी मतलब मेरी नानी, वो चले गई हैं अपने घर, उनका घर रानीखेत में है,
वो चले गई हैं कुछ दिनों के लिए, आई थी शुभी से मिलने के लिए और उसके बाद चले गई वो। तो अगला कमेंट है पूर्णिमा चंद जी का, जो क्लोथ डायपर मंगाए थे वो कैसे हैं। तो पूर्णिमा जी, जो मैंने क्लोथ डायपर मंगाए थे ना, वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पहले से ना मैं यूज़ एंड थ्रो वाले डायपर मंगाती थी, तो उसमें क्या होता था कि हाँ सही रहता था, लेकिन क्या होता था कि हर महीने 600 650 का मुझे ख़रीदना पड़ता था और फिर फेंकना पड़ता था। और कोटा बाग में ना कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, तो हमें ऐसे फेंकना पड़ता था, तो मुझे सही नहीं लगता था वो चीज़। तो इससे मैंने क्लो डायपर मंगाए, और क्लो डायपर में क्या हो रहा है कि एक तो मेरे रुपए बच रहे हैं, और दूसरा कूड़े फेंकने की मुझे अब टेंशन नहीं कि मैं कूड़ा कहाँ फेंकूंगी, इस चीज़ का मुझे टेंशन नहीं। यहाँ तो क्या, हल्द्वानी में कूड़े की गाड़ी आती है तो यहाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोटाबाग में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने क्लो डायपर मंगाया। और वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है उसमें, सिर्फ वॉश करना पड़ता है बस। अगर आप वॉश कर सकते हो तो आपके लिए क्लो डायपर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि टॉयलेट करते तो वो भी मुझे धोना पड़ता है, पॉटी करते तो मुझे वो भी धोना पड़ता है। तो अगर आप लोग भी ये सब कर सकते हो तो क्लो डायपर ही मंगाओ, बहुत मतलब अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। एक तो क्या है कि वो वाटर प्रूफ है, बाहर लीकेज नहीं होता है उसमें, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मैंने आप लोग को बताए थे जब मैंने मंगाए थे, तब से लेके मैं अभी तक लगातार वही यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगा। तो चलिए फिर अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है दीपिका तिवारी जी का, दी पंजीरी कैसे बनाई अंकल ने मुझे बताना। तो पापा ने पंजीरी कैसे बनाई मैं आपको बताती हूँ। पापा ने इतने काजू लिए थे, इतने बादाम लिए थे, और आधा गोला होता है ना काला वाला गोला, वो मैंने कद्दूकस किया था, और इतने इतने मखाने लिए थे, और गोंद लिया था इतना इतना। तो इन सबको ना घी में फ्राई कर दिया। घी अगर आपके पास है ना तो काम आसान हो जाएगा आप लोग का। सबसे पहले क्या, काजू को फ्राई करा घी में, फिर बादाम को फ्राई करा, सबको अलग अलग रखते रहे। फिर उसके बाद नारियल का जो बूरा था उसको भी फ्राई करा, फिर थोड़ा और घी डाला, मखानों को भी घी में फ्राई करा, फिर उनको भी निकाल दिया। फिर गोंद को ना घी में थोड़ा तलना पड़ता है, वो जैसे पॉपकॉर्न नहीं होते हैं वैसे बड़े हो जाते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं फिर इतने बड़े हो जाते हैं वो, तो उनको घी में तलना जैसा पड़ता है। तो इन सबको तेल में फ्राई करने के बाद अलग निकाल करके पीस देते हैं, थोड़ा थोड़ा दर दरा जैसा पीस लिया। और उसके बाद आटा, उसमें हमने लिया था जो चाय वाला ग्लास नहीं होता है, उससे 3 साढ़े 3 ग्लास आटा लिया था। आटे को ना थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा घी लिया, और घी में उसको बिल्कुल ब्राउन कर लिया, समझो बिल्कुल रेड रेड नहीं हो जाता, खुशबू आने लग जाती है, उतना ब्राउन करा। उसके बाद उसमें घी डाला, चाहे आप, आपके पास जितना घी है आप उतना घी डाल लो, आधा कटोरी आधा इतना, जितना घी है उतना डाल दो। वो तब डालना है जब वो आटा आपका पूरा भुन जाए, तब डालना है। स्टार्टिंग में डालोगे ना उसको घुमा ही नहीं पाओगे सच में, बहुत वो गीला गीला लटपटा जैसा हो जाता है, उसको नहीं घुमा पाओगे। तो इसलिए ये आटा भुनने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करने के बाद उसमें घी डाल दो, तभी गैस बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, फिर उसमें घी डालो। घी डालने के बाद उसको और हिला लो, मिक्स कर लो, फिर गैस बंद करने के बाद फिर क्या करना है, जैसे हमारा जो आटा है वो हल्का जैसे ठंडा या गुनगुना ऐसा हो जाएगा ना, तब उसमें क्या करना है, सारे ड्राई फ्रूट्स के जो हमने मिक्सी में पीस रखे थे वो सब उसमें मिक्स कर देना है, और चीनी का बूरा भी इसमें मिक्स करके पूरा मिक्स कर देना है। अगर देखो आपके पास घी ज़्यादा होगा तब तो क्या होगा, लड्डू जैसे बन जाएंगे, और अगर आपके पास ज़्यादा घी वाला नहीं होगा तो वो पंजीरी बन जाएगी, और पंजीरी खाने में ना सच में बहुत टेस्टी भी होती है, बहुत हेल्दी भी रहती है। तो बस सिंपल ऐसे बनाना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला कमेंट है हरिका जोशी, शायद मैं सही नाम पढ़ रही हूँ हरिका जोशी, क्योंकि ना मैं एक पेज में नोट करके लाई हूँ, तो हो सकता है मैं गलत पढ़ रही हूँ, वैसे हरिका जोशी लिखा हुआ है। तो चलिए फिर इनका कमेंट है, आपकी बेटी कितने महीने की हो गई है। तो शुभी को ना 5 मंथ कंप्लीट हो गया है, अभी 6 चल रहा है उसको, ये 9 मार्च को 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला कमेंट है खुशी बराग जी का, दी मेरी बेटी बहुत रोती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ प्लीज़ मुझे बताइए। मेरी बेटी 28 को 3 मंथ की हो जाएगी, और मुझे लगता है मेरी बेटी का वेट नहीं बढ़ता। तो खुशी जी, मैं आपको बताऊं कि बच्चों की ना हैबिट ना चेंज होती रहती है। जैसे मैं आपको शुभी की हैबिट बताऊं, स्टार्टिंग में क्या होता था, शुभी इतना सोती थी, उसे उठाने के लिए मुझे उसके पाँव के तले में यूँ मारना पड़ता था तब वो उठती थी। फिर उसके बाद उसकी आदत क्या चेंज हुई कि वो रात को 1-1 2-2 बजे तक उठे रहती थी, रोते रहती थी, मतलब नीचे रखो वो रो जाए। फिर उसके बाद सोती नहीं थी, उसका रोज़ का नियम बन गया था, रात को 2-2 3-3 बजे, 1-1 2-2 बजे, इससे पहले सोती नहीं थी वो। फिर उसके बाद उसे धीरे धीरे उसकी आदत और चेंज हुई, फिर उसके बाद उसकी आदत क्या रहती है, रोती रहती है। हम समझ नहीं पाते रो क्यों रही है, मतलब किस बात पर रो रही है हमें समझ में नहीं आता। तो मतलब बच्चों की आदत क्या होती है इस टाइम पे,
धीरे धीरे चेंज होते रहती है, आपको उसको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है उसे, और धीरे धीरे चेंज हो जाएगी, आप परेशान मत हो। और अगला पूछ रहे हो कि आपकी बेटी का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आपकी बेटी का वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी तो 3 3 महीने की होने वाली ना, और आप दिन रात उसे देख रहे हो, तो इसलिए आपको लग रहा है कि उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसका वेट अपने हिसाब से धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप परेशान मत होइए ज़्यादा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में आपको लगता है कि आपकी बेटी का वेट बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए, और मेरे हिसाब से तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे करते हैं परेशान। मैं खुद डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर भी मुझे देख के हंसने लगे थे, तो उन्होंने बोला था कि बच्चों की हैबिट होती है, ये चेंज होते रहती है, उन्होंने मेरे से ये बोला था। तो चलिए फिर, आप लोग के आज तो इतने क्वेश्चन थे, अगर आप लोग के भी इसी तरीके से और क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।